बसमिल माई यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे जी आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़े की यूनिक स्टाइल की बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ मेरे साथ रहिएगा मेरी वीडियो पूरी देखिएगा बहुत ही मज़े की लगेगी आज आपको और बहुत ही आसान है बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप सब बना सकते हैं चलें जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ तो जी मैंने चार प्याज लिए हैं इनको मैंने काट लिया है काट के मैंने रख लिया है और साथ ही मैंने चार पांच टमाटर लिए हैं इनको भी मैंने काट के तैयारी कर दी है बर्तन में रख दिया है अच्छी तरीके से वॉश करके और मैंने इनको काटा है चार पाँच सब्ज़ मिर्चें भी आप इसी तरह छोटी छोटी काट के रख लीजिएगा ताकि आपकी कुकिंग में फिर बिल्कुल देर ना लगे जी बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा सारा सामान और इसी तरह मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया थोड़ा सा पुदीना दो चार लीम और दो चार सब्ज़ मिर्चों को भी काट लिया है ये मैंने आधा कप लिया है इमली का इसको मैंने आधा कप पानी में डाल के अच्छी तरीके से मसल के मैंने भगो दिया है यहाँ मैंने जी छः गिलास चावल लिए हैं तीन तीन गिलास दो बर्तनों में मैंने अलग अलग कर लिए हैं ये मैं आगे चल के बताऊँगी मैंने ऐसे क्यों किया है दो किलो मुर्गी का मैंने गोश्त लिया है या दो किलो मैंने मुर्गी ली है इसको मैंने बड़े पीसीज है इसको मैं कट लगा रही हूँ आप देख सकते हैं मैं कट लगा रही हूँ जी जी ये डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी है इसलिए आपने सारी रेसिपी गौर से देखनी है आधा किलो जी दही है इसमें दो पैकेट बड़े वाले जी जो बड़ा पैकेट होता है बिरयानी का जिसमें से दो पैकेट निकलते हैं वो मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है आधा किलो दही में और एक चम्मच मैंने इसमें दो चम्मच लाल मिर्चें एक चम्मच दड़ा मिर्चें दो चम्मच सूखा धनिया दो चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाली है और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें और जो इमली मैंने भगव के रखी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करके मुर्गी वाले मटीरियल में आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए आपने रख देना है ये काम हमारा हो जाएगा हम इसकी जितनी देर में ये आधा घंटा होगा हम अपने बाकी काम निपटा लेंगे तो चले चलते हैं हमने इसके बाद और क्या करना है इसको कवर करके रख के तो हम दूसरी साइड पे चलते हैं तो दूसरी साइड पे हमने ये करना है कि हमने चावल लेने हैं तीन गिलास दो तीन गिलास एक जगह तीन गिलास एक जगह आपने रखने हैं और इनको मैंने भगोया बिल्कुल नहीं था बस धो के तो मैंने पानी मैंने देश के में डाल लिया है इसमें मैं बॉईल करने के लिए चावल डाल रही हूँ पानी आपने खुला सा डालना है एक चम्मच ऑयल एक चम्मच सिरका और एक चम्मच नमक इसमें आप शामिल कर दीजिएगा और एक बादन का फूल और एक मोटी इलायची डाल लीजिएगा और इसको आपने अच्छी तरीके से बोइल आने देना है पानी भी आपका गर्म होना चाहिए उस टाइम आपने चावल शामिल करने हैं ठंडे पानी में आपने नहीं करने और इसको अच्छी तरीके से देखते रहिएगा जब एक कनी रह जाए तो आपने इसको छान लेना है बिल्कुल जी मैं आपको जिस तरह कह रही हूँ आपने इसी तरह करना है मेरी रेसिपी को बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनेगी जी चावल मेरे एक कनी जब रह गई थी तो मैंने इनको छान लिया है छानने से और अब मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी अब जी फिर दोबारा मैंने पैन ले लिया और फिर दोबारा मैंने एक चम्मच सिरका और एक चम्मच नमक और एक चम्मच मैंने नमक डाल के उसमें पानी डाला है और उसमें मैं चावल तब डालूंगी जब पानी मेरा बॉयल हो जाएगा जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें आपने आधी चम्मच ज़रदे का रंग भी डालना है ये जी मेरी डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी है इसमें थोड़े थोड़े आपको तरीके डिफरेंट लग रहे होंगे इसलिए मैं आपको कह रही हूँ गौर से देखिएगा हर चीज़ को आपने ग़ौर से देखना है बहुत ही आसान है मुश्किल कोई चीज़ नहीं है तो ये जी जो मैंने पीले वाले जिसमें मैंने ज़रदे का रंग डाला था वो चावल भी मेरी एक कनी रह गई थी तो मैंने उसको भी छाने में निकाल के रख लिया है तो ये वाइट चावल और पीले चावल दोनों आपने अलग अलग करके रख लेने हैं अब आपने जो प्याज लिए थे चार अदद इसको एक कप ऑयल में आपने अच्छी तरीके से ब्राउन करना है थोड़ा सा आपने एक बादान का फूल थोड़ा सा जैफल जायवत्री और आपने दो चार लौंग दो चार काली मिर्चें और एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें शामिल कर देना है और आपने इसको अच्छी तरीके से हिलाना है और ये जलेना आँच आपकी दरमिया होनी चाहिए आँच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए जब अच्छी तरीके से प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और मसाला भी थोड़ी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें वो जो चिकन जिसमें आपने दही और सब चीज़ें डाली थी वो आपने इसमें डाल देना है ये देखें मैं सारा डाल रही हूँ आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अच्छी तरीके से ये सारा मसाला इसमें डाल दीजिएगा जितना भी है आधा किलो दही था अब इसी में आपका चिकन पक जाएगा और टमाटर वगैरह जो थे उसी में आपका ये सब कुछ पक जाएगा वो भी अभी हम डालेंगे तो चलें जी अब जी चलते हैं आगे कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे पाँच सात मिनट इसको कवर करके रखें फिर इसको हटाएंगे तो वो जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी हमने वो भी शामिल कर देनी है फिर इसको हिला के और फिर आप दम लगाना चाहें तो फिर दोबारा भी आप दो चार मिनट दम लगा सकते हैं ताकि आपके टमाटर भी बीच में अच्छी तरीके से नरम हो जाए और ये सब पानी टमाटरों का दही का इसमें आपका चिकन अच्छी तरीके से पक भी जाएगा गल भी जाएगा जब अच्छी तरीके से ऑयल सा ऊपर आ जाए अच्छी तरीके से आपका मसाला भुन जाए तो फिर आपका चिकन का ये मसाला रेडी है अब आपने क्या करना है इसको एक साइड पे कर लें अब आपने जो चावल बॉईल किए हैं वो उठा के आप रख लें एक पैन में आपने नीचे एक तय लगानी है चावलों की ये देखें जी एक पैन मैंने ले लिया है इसमें मैं वाइट चावल पहले नीचे डाल रही हूँ फिर मैं ऊपर चिकन का मसाला डालूँगी और फिर मैं ऊपर से येलो कलर के चावल डालूंगी पीले वाले चावल तो ये जी इसमें डिफरेंट स्टाइल है अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बड़ी मज़े की बिरयानी है आप ऐसे बनाएं आपको बहुत ही मज़े की और यूनिक स्टाइल की बहुत ही अच्छी लगेगी तो ये देखें जी आप ऊपर मेरे वाइट चावल चले गए हैं फिर चिकन का मटीरियल जाएगा जितना बड़ा पैन है उतनी आपकी तय लगती जाएगी इतने आपके इसी तरह आप डालते जाएं पहले आप पीले डालें फिर वाइट डालें फिर चिकन सात साथ डालते जाएं और आप इसको सारी चीज़ें डालने के बाद ऊपर से धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें और नींबू डाल दें और इसको तवा रख के आपने दम लगाना है ताकि आपके चावल बहुत ही मज़े के बने तकरीबन आप आधा घंटा भी लगा सकते हैं नहीं तो बीस पच्चीस मिनट आप लगा लें और फिर आप जब तक दम लगता है हम चटनी बना लेते हैं चटनी बहुत मज़े की यूनिक स्टाइल की बना रही हूँ जी जी अनारदाना और दो जवे मेरे लहसन के हैं साथ ही जी मैंने एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आधी इंच का अदरक का लिया है इनको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है उसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना थोड़ी सी सबज मिर्चें और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है जब ये अच्छी तरीके से पीस पीस जाएगा तो आप इसको बर्तन में निकाल लीजिएगा और फिर आप इसमें दही शामिल कर लीजिएगा जितना आपका दिल करे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा वो आखिर में जब दही डालेंगे तो नमक भी डाल लीजिएगा तो ये तो आपकी चटनी तैयार हो गई है तो आप मुझे फिर देख के ज़रूर बताइएगा कि ये डिफ़रेंट स्टाइल की बिरयानी आपको कैसी लगी मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी अब जी मैंने दम से चावलों को ऊपर से ढक्कन उठा लिया है अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ये देख लें कितनी मज़े की है बिरयानी जब आप खाएँगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ ये देखें जी दही सलाद सब चीज़ें रख के खाएँ बहुत मज़ा आएगा तो मैंने तो खा ली है मुझे तो बहुत मजे की लगी है आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी तो आप मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़